दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ये देखा जाता है कि अभिनेता से अधिक अभिनेत्रियां फिल्मों से दूरी बना लेती हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण उनकी पर्सनल लाइफ और घर गृहस्थी होती है। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, लगभग उसके जिंदगी की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। हालांकि वो 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत की वो एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, जिसने कई फिल्मों में लीड रोल निभाया और अपने दर्शकों के दिलों में जाकर बस गई। लेकिन यह अदाकारा भी अपने स्टारडम को आगे लेकर जाने में सफल नहीं हुई, या फिर यूं कहें कि इसने अधिक ध्यान नहीं दिया। खैर दोस्तों, जिस खूबसूरत और एक जमाने की मशहूर अदाकारा की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है शबाना रजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेशक उन्होंने कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन काफी शानदार अभिनय किया। खैर, समय के साथ साथ लोग उन्हें भूलते गए और वो अपने पति के नाम से अधिक प्रसिद्ध होने लगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उन्हें अच्छे से जान और समझ सकें। तो अगर आपको कलाकारों की जीवनी जानना पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उनका जन्म 18 अप्रैल साल 1975 को नांदेड़ महाराष्ट्र में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो वहीं से किया, लेकिन आगे चलकर उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने हायर एजुकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखना और एक्टिंग करना पसंद था। दिखने में बेहद खूबसूरत और काबिलियत की धनी शबाना को आखिरकार फिल्मों में काम करने का मौका मिल ही गया और साल 1998 को उन्होंने सीधे बॉलीवुड से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उस दौरान विधु विनोद चोपड़ा अपने एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और उन्हें शबाना मिल गई। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उन्हें उनकी पहली फिल्म करीब के लिए कास्ट किया गया, जिसके निर्देशक और निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ही थे। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें बॉबी देओल के बिल्कुल अपोजिट नेहा के रूप में शबाना दिखाई दी। इस फिल्म में मौसमी चटर्जी और जॉनी लीवर जैसे मशहूर सहायक कलाकार भी शामिल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग सफल रही और इसके गाने भी लोगों को काफी पसंद आए। उसके बाद वो साल 1999 में पी वासु के निर्देशन में बनी फिल्म होगी प्यार की जीत में दिखाई दी, जो एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने नेहा की भूमिका में अजय देवगन के अपोजिट अभिनय किया, जबकि अभिनेता अरशद वारसी के अपोजिट अभिनेत्री मयूरी कांगो नजर आई। विलन के किरदार में मोहन जोशी दिखाई दिए। आपको बता दें कि इन सभी हीरो और हीरोइनों से पहले फिल्म के लिए पहले कई कलाकारों को चुना गया था, जैसे अरशद वारसी की जगह पर सबसे पहले अयूब खान को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इस रोल के लिए ड्रॉप कर दिया गया। इसके अलावा शबाना और मयूरी की जगह पर सबसे पहले आयशा जुल्का और ममता कुलकर्णी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें भी किसी कारणवश रिप्लेस कर दिया गया। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को भी इस रोल के लिए ऑफर दिया गया था, जिसके लिए वो मान भी गई थी, लेकिन उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया। और यहीं तक नहीं, सलमान खान और आमिर खान को भी अप्रोच किया गया, लेकिन बिजी स्केड्यूल होने की वजह से उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया, तब दर्शकों ने इसे काफी प्यार दिया। हालांकि फिल्म सेमी हिट रही, साथ ही फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए। इस फिल्म से शबाना दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और उन्हें आगे भी फिल्में मिलती गईं। साल 2000 में आई फिल्म फिजा में उन्होंने शहनाज की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक सहायक अभिनेत्री के रूप में खुश रहना पड़ा, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर शामिल थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई और आलोचकों से इसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिला। फिल्म ने कई नॉमिनेशन पाए और 2 पुरस्कारों को भी जीता। दोस्तों, उन्होंने साल 2001 में बैक टू बैक 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से एक तमिल फिल्म भी थी और उसका शीर्षक है अली थंडा वानम। साल 2004 में वो एक और फिल्म में नजर आई, जिसका शीर्षक है मुस्कान, जो एक बॉलीवुड फिल्म थी। साल 2006 में आत्मा नाम से आई एक हॉरर फिल्म में उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म के निर्देशक थे दीपक राम से। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक औसत फिल्म ही रहकर सिमट गई। करीब 3 साल बाद वो अपनी आखिरी फिल्म में नजर आई, जिसका शीर्षक था एसिड फैक्ट्री। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इसमें कई कलाकारों ने अभिनय किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और दर्शकों ने इसे नकार दिया। इसके बाद शबाना ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी घर गृहस्थी में जुट गई। इस तरह उन्होंने अपनी छोटी सी फिल्मी करियर में दर्शकों को अपने दमदार अभिनय से काफी रोमांचित किया। उन्होंने मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी से शादी किया है। वैसे उनकी शादी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1998 में जब शबाना बॉबी देओल के साथ करीब फिल्म कर रही थी, तो बॉलीवुड फिल्म सत्या के प्रीमियर पर दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के बाद दोनों में पहचान हुई और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय में ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया और तब जाकर फाइनली साल 2006 में एक दूसरे से शादी कर लिया।
शादी के बाद शबाना अपने पहले फिल्म के स्क्रीन नाम नेहा के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध हुई। हालांकि उन्हें अपना असली नाम ही अधिक पसंद है, क्योंकि उनके माता पिता ने बड़े प्यार से उनका नाम रखा था, जबकि गूगल पर सर्च करने से उनका नाम नेहा वाजपेयी शो करता है। हाल ही में मनोज ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा तो पहली नजर में ही वो उनके प्यार में पड़ गए थे। खैर, शादी के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने अवान्याला वाजपेयी रखा। आपको बता दें कि दोनों ही अपना अपना धर्म फॉलो करते हैं और किसी ने भी कभी एक दूसरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं किया। यहां तक कि मनोज का मानना है कि वो काफी खुश हैं और सबसे अधिक वो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं। बात करें मनोज वाजपेयी की तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। उन्होंने भी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है, हालांकि वो एक लीड रोल एक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उससे कम भी नहीं है। फिल्मों में वो अपनी शानदार अदाकारी और नेगेटिव किरदार के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, शबाना कहती हैं कि उनके पति मनोज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी एक साथ मिक्स नहीं होने देते और बिल्कुल ही अलग अलग रखते हैं। इसके अलावा जहां बाकी कपल को यहां वहां घूमना पसंद है, लेकिन हमें नहीं, हम दोनों घर में ही खुश रहते हैं। बस हम दोनों यही चाहते हैं कि हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। अपने पति की तरह वो भी अपने निजी जीवन और परिवार के बारे में अधिक बातें शेयर करना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनके परिवार के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन खबरों के मुताबिक उनके पिता मिस्टर रजा एक बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी माता शकीला रजा एक हाउसवाइफ हैं। हालांकि अभी वो कहां और कैसे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं पर कहा जाता है कि शबाना के भाई बहन भी हैं, लेकिन उन्होंने उनके बारे में भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। उनके ससुर यानी मनोज के पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है, जो कि किसान थे। दुर्भाग्यवश साल 2021 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि शबाना की सास गीता देवी अभी भी उनके साथ रहती हैं। वहीं पर मनोज के भाई का नाम डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एज अ सेक्रेटरी ज्वाइन किया है, जबकि उनकी बहन पूनम वाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री में एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम करती हैं। शादी के बाद उन्होंने अपने सरनेम को हटाकर अपने पति का सरनेम रख लिया और अब वो पूनम दुबे के नाम से जानी जाती हैं। शबाना ने अपने इस छोटे से अभिनय करियर में शानदार काम किया और अपने दम पर कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई। वैसे अब वो फिल्मों से दूर हो गई हैं और अपनी घर गृहस्थी को संभालती हैं। खबरों के मुताबिक भविष्य में हो सकता है कि वो अभिनय करती नजर आएं। फिलहाल वो 48 वर्ष की हो चुकी हैं और उनकी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।